यस, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल्स? आर्टिकल के बारे में आपको क्या क्या पता है मुझे बता दो। आर्टिकल के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट आर आर्टिकल्स बच्चे? आर्टिकल्स क्या होते हैं? मैम, ए और दी को आर्टिकल कहा जाता है। ए और बी और कोई नहीं होते हैं? एन होता है मैम। एन होते हैं। यस, एन द जो होता है वो आपका आर्टिकल्स होता है। चलिए ठीक है, इतना तो पता है। अब मुझे ये बताइए कि हाउ कैन यू से व्हाट हाउ कैन यू से व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर दे? कैन यू डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स? आप टू टाइप्स डिफरेंशिएट ऑफ कर पा रहे आर्टिकल्स हैं अलग मैम, टू टू टाइप टाइप का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, कौन? डेफिनेट और सॉरी, इनडेफिनेट। यस, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा होता है? दा मैम ओके, व्हाई इज इट कॉल्ड डेफिनेट? इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं? को डेफिनेट क्यों बोलते हैं बच्ची? कुछ तो होगा ना जो उसको डेफिनेट बोलते हैं। डेफिनेट का क्या मतलब होता है? डेफिनेट डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब बता दीजिए मुझे। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? बच्चे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही यस मैम। है? मैम जो गणनीय ओके, संख्या होता है तो उसको बोल सकते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है कोई भी फिक्स चीज, ठीक है, श्योर है आप किसी चीज के बारे में, तो वो डेफिनेट हो गया आपका, ठीक है। तो डेफिनेट आप द को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका द लगता है, द किसके आगे लगता है? जो आपका डेफिनेट रहता है कोई चीज जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है। जैसे द ताजमहल, तो एक ही ताजमहल है इसीलिए वहां पे द लगा। अब मान लीजिए कि मैं स्टोरी बता रही हूँ, उसमें मैंने, बच्चे म्यूट रखिए अपना, आप नहीं बच्चे। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जब आप बताते हैं किसी, मान लीजिए कोई स्टोरी बता रहे हैं, तो पहले क्या कैसे बताते हैं स्टोरी? सबसे पहले तो आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? तो कैरेक्टर को जब इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, तो बता दिया कि उस बंदे का नाम ये है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम द गर्ल लिख सकते हैं, तो वहां पर द गर्ल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने किसी गर्ल को इंट्रोड्यूस किया है स्टोरी के स्टार्टिंग में, और उसके बारे में आप पूरी स्टोरी बता रहे हैं, तो वहां पर आप द लिख रहे हैं। इसका मतलब है स्पेसिफिकली आप उसी गर्ल के बारे में बता रहे हैं जिस गर्ल के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया है कहानी के स्टार्टिंग में, राइट? तो द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेट किसी चीज पे, जहां पर आप श्योर हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी चीज के आगे, उसी नाउन के आगे आप द लगाएंगे। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं ए और एन, ठीक है। और वन मोर थिंग, ए और एन जो है वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। ए और एन एक ही यूनिट में काउंट होता है, ठीक है।
अगर आपको कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ आर्टिकल, ठीक है? तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ए भी होता है एंड भी होता है, बिकॉज ए एंड जो होता है दोनों ही आपका सिंगुलर आइडेंटिटी के लिए या फिर सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, इसीलिए उसको एक ही यूनिट में आप काउंट करते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप ऑफ आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल आपके दो टाइप होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट आपका द है, इनडेफिनेट आपका ए और एन है। ए और एन हमेशा लिखते हैं, ए एंड एन नहीं लिखते हैं, क्योंकि या तो आपका ए लगेगा या फिर आपका एन लगेगा। एन कहाँ लगता है आपका, किस सेंटेंस में आप एन लगाएंगे? मैम जो ए आई ओ यू से स्टार्ट होगा, सिर्फ स्टार्टिंग करने वाले वर्ड ही नहीं, जहां पर आपका वॉवल का साउंड भी आता है, ठीक है? यानी कि अगर कोई ऐसा वर्ड, सॉरी, अगर कोई ऐसा वर्ड जहां पर आपको जो आप क्या बोलते हैं उसको, जो आपका साउंड है, जैसे आप कोई वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी अगर ए आई ओ यू का साउंड आता है तो उसमें भी आप आगे एन ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अम्ब्रेला है, ठीक है? तो अम्ब्रेला के आगे तो आपको यू लगा है, तो आपको पता है कि एन लगाना है, ठीक है? लेकिन ऑनर है, ऑनर क्या होता है, स्टार्टिंग इसका वॉइस आ रहा है ओ का, बट स्टार्ट होता है इसका स्पेलिंग क्या होता है, एच ओ एन ओ यू आर, तो एच लगा है तो इसमें क्या इग्नोर कर देंगे, ए लगाएंगे एन लगाएंगे? ऑनर के आगे आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? एन होगा मैम, एग्जैक्टली एन होगा, क्योंकि आपका साउंड जो है वो साउंड आपका वोवल का आ रहा है, अंडरस्टूड? तो इनडेफिनेट इसीलिए कहा जाता है इनको, ए या एन को इनडेफिनेट इसलिए कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है जहां पर आप श्योरिटी नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपका एक सिंगुलर यूनिट है, सबसे पहले तो ए और एन तब लगेगा जब आपका नाउन सिंगुलर रहेगा, ठीक है? दूसरी बात, जहां पर आप जनरल लैंग्वेज में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल मतलब कि गर्ल, मतलब कोई भी लड़की हो सकती है आपके क्लास की, ठीक है? ये भी स्पेसिफिक नहीं है कि आप ही के क्लास की हो सकता है पूरे कॉलेज में से कोई एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, एनी गर्ल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अ बॉय, कोई भी लड़का जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? या फिर एक पर्टिकुलर, या फिर आप अगर मान लीजिए कि इन जनरल कोई ऐसा बात, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं अपने रिसीवर को जो कि सिंगुलर नाउन कंटेन करता है, ठीक है? सिंगुलर नाउन कंटेन करता है, लेकिन आप किसी का नाम नहीं ले रहे, ओके? यू आर नॉट सेइंग एनी नेम, बट यू वांट टू सेंड दिस मैसेज टू योर रिसीवर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका नाउन जो है, बिकॉज इट इज सिंगुलर एंड इट इज इन जनरल वे, यूर लाइक यू आर यूजिंग जनरल नाउन, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है? ये सारे जो कॉमन नाउन यूज करते हैं बेसिकली आप, तब ए या फिर एन का यूज करेंगे। Understood? Yes, Any doubt in this? चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जो चीजें मैंने अभी बताई कि आपको द एंड ए कहाँ लगाना है, ठीक है, इनडेफिनेट डेफिनेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर लिखी हैं। अब नाउ नेक्स्ट थिंग है कि ए और एन आप यूज कहाँ करेंगे। अगेन यहाँ पर ए और एन लिखता है, हमेशा आपका ए और एन ही रहेगा, ए एंड एन नहीं रहेगा, बिकॉज या तो आपका किसी सेंटेंस में ए लगेगा या फिर एन लगेगा, दोनों कभी भी साथ में यूज नहीं होता है। अंडरस्टूड? नाउ द फर्स्ट वन इज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिप्रेजेंट नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है? जैसे कि गर्ल जो है आपका वो काउंट कर सकते हैं आप कितनी लड़कियां हैं, ठीक है? इफ आई से दैट अ गर्ल इज टॉकिंग इन द कॉरिडोर, यू कैन से कि एक लड़की है, कोई बाहर जाके बात कर रही है, कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है? नॉट इन पर्टिकुलर, जनरल सेंस में क्या होगा, इसका मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर मेंशनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन जो आपकी स्टोरी होती है, व्हेन यू आर रिसाइटिंग अ स्टोरी, तो स्टोरी रिसाइट करते वक्त क्या करते हैं, देयर वॉज अ गर्ल इन द विलेज, दिस टाइप ऑफ लाइन्स इज द इंट्रोडक्शन, राइट? इसी तरह से आपका स्टोरी में इंट्रोडक्शन होता है, एक लड़की थी गांव में, या फिर देयर वाज अ बॉय हु वेंट हु यूज्ड टू वर्क इन द फार्मेसी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? कोई भी आपका जो इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर्स का,
दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इज मेड. दैट मीन्स जब आप पहली बार किसी को मेंशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग को नहीं कर रहे हैं, या फिर ठीक है, बोथ द सिचुएशन आर नॉट एट द सेम टाइम. ठीक है, व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, एंड व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड, व्हेन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ठीक है, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है. पहली सिचुएशन तब जब आप किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा स्टोरी की फर्स्ट लाइनें क्या हो सकती हैं आपकी, दैट अ गर्ल वाज देयर इन द विलेज, शी यूज्ड टू गो लाइक दैट दैट. ठीक है, इस टाइप का आपको लाइनें हो सकती हैं. सेकंड सिचुएशन है व्हेन इट रिप्रेजेंट्स नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ठीक है, नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यानी कि किसी कोई भी लड़की हो सकती है वो. राइट, आप उसके बारे में फिर आगे स्टोरी में बता रहे हैं कि वो लड़की कौन है, क्या करती है, कैसे रहती है, दिस दैट. ठीक है, तो वो जो है वो पर्टिकुलर सेंस में नहीं आप कह रहे हैं, कोई भी लड़की हो सकती है. यू आर एक्सप्लेनिंग आफ्टर दैट स्टेटमेंट, आफ्टर मेंशनिंग दैट स्टेटमेंट यू आर एक्सप्लेनिंग कि वो लड़की कौन है. अंडरस्टूड? सो यू कैन गो बाय द एग्जांपल, जो नीचे एग्जांपल दिए गए, आई नीड एन अम्ब्रेला, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस. अब यहाँ पर देखिए एक ही हाउस के बारे में बात की गई है. ठीक है, वन हाउस दैट मीन्स अ सिंगुलर नाउन. House is a unit of or building that can be countable, so it is countable also. It is mentioned for the first time, okay? And it represents no particular person or thing, right? समझ में आ गया? So I'm sharing you again one more. Yes. So this is your. Second is before a singular countable noun which represents a class of thing. Class of thing ka kya matlab hua? Class of thing ka kya matlab hua? Class ka matlab hota hai ki when you are representing something in general about your community, you can say, or a group of something. ठीक है, एक पूरे ग्रुप को जब आप एक साथ मेंशन कर रहे हैं, तब उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड दैट इन योर, आप उसके साथ सिंगुलर है वो रहेगा, क्योंकि आप पूरे कम्युनिटी को मेंशन कर रहे हैं. किसी एक चीज से, एक वर्ड से, सिंगुलर वर्ड से आप पूरे क्लास को या पूरे ही कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, यू आर यूजिंग ए या फिर एन. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड. अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड का क्या मतलब हुआ कि कोई भी गाड़ी, ठीक है, कोई भी गाड़ी, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, कोई भी गाड़ी जो है वो हमेशा आपको क्या करनी है, इंश्योरेंस उसका क्लेम करना है. अंडरस्टूड? यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है, अ व्हीकल का मतलब ऑल व्हीकल या फिर एनी व्हीकल must be insured. So vehicle क्या यहाँ पर represent कर रहा है, पूरा class of thing. ठीक है, जितने भी vehicles हैं, whatever you are or your parents are or your friends are, कोई भी जो vehicle खरीद रहा है उसे अपने गाड़ी का insurance करना है. So in general when you are mentioning something for every you can say every member of that community, every part of that group, तो आपको वहाँ पर, क्योंकि वो पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ड हमेशा आपका सिंगल ही रहेगा. व्हीकल रहेगा, व्हीकल्स नहीं रहेगा, चाइल्ड रहेगा, चिल्ड्रन नहीं रहेगा. तो क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते वक्त आपका वर्ड जो है, आपका जो नाउन है वो सिंगुलर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए या फिर एन लगता है. अंडरस्टूड? पहली दो कंडीशन समझ में आ गई, ए और एन कहाँ यूज होगा. हाँ, दीज आर जनरल क्लासिफिकेशन जो आपको पता भी है और आप यूज भी करते हैं. आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू सो दैट आपको रूल याद रहे. अंडरस्टूड? व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. नाउ थर्ड इज बिफोर द नेम ऑफ अ प्रोफेशन. प्रोफेशन मतलब कोई भी काम अगर आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे टीचर हो गया, नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, व्हाट और क्या होगा, मैनेजर हो गया, वेटर हो गया, ठीक है, ड्राइवर हो गया, एनी प्रोफेशन दैट यू आर मेंशनिंग. ठीक है, रीता इज अ नर्स, ही इज अ डॉक्टर,
शी इज एन इंजीनियर, ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है एंड द साउंड इज ऑल्सो अ वोवल, दैट इज वाई यहाँ पर एन लगा है. ओके, आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग यू विद द थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी इजी. अगर कुछ नहीं समझ में आया मुझे बीच में टोक देना, बिकॉज दीज आर वेरी इजी थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाई योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ द फोर्थ वन इज विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या था मैंने बताया था ना, एडजेक्टिव में मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स समथिंग दैट इज टेलिंग यू अबाउट योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. कोई एक वर्ड है जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, उसके बिना आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा, प्लस वो आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा. अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट एक नाउन है, ठीक है, किसी भी तरह का अगर वो नाउन है तो वो नाउन कॉम्प्लीमेंट कहला सकता है. तो अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट आपके सेंटेंस में प्रेजेंट है तो उसको आप इट वॉज एन अर्थक्वेक, एन लगा है, ठीक है, ए और एन वहां पर लगाएंगे बिकॉज दीज आर अगेन सिंगुलर, ठीक है. यहाँ प्रोफेशन वाले केस में भी आप देख लीजिए, प्रोफेशन जहाँ मेंशन होता है वहां पर हमेशा सिंगुलर वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नर्स है तो नर्सेज नहीं लिखा है, नर्स ही लिखा है. डॉक्टर है तो डॉक्टर्स नहीं लिखा है, डॉक्टर लिखा है. इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखा है, इंजीनियर्स नहीं लिखा है. तो बेसिकली द बेसिक एग्जाम बेसिक रूल ऑफ यूजिंग ए एंड एन इज व्हेनेवर देयर इज अ साउंड ऑफ वोवल या फिर आपका वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा, और आपका जो भी नाउन है जिसके आगे आप ए और एन लगा रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, ठीक है. दिस इज द बेसिक रूल एंड इसके फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताए गए हैं इन डिफरेंट रूल. अंडरस्टूड? तो विद सर्टेन नंबर्स, सर्टेन नंबर, देखिए ये सारे जो सेंटेंसेस हैं आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे. ही हैज अ 1000 रुपीज नोट, शी हैज टू वॉक 2.25 किलोमीटर डेली, ठीक है. मतलब यहाँ पर जब कोई भी नंबर आप मेंशन कर रहे हैं, एनी नंबर यू आर मेंशनिंग और मेजरमेंट, ठीक है, डजन हो गया, कपल हो गया, मिलियन हो गया, इट इज काइंड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. मेजरमेंट ही है आपका किसी चीज का, कैलकुलेटिंग है किसी चीज का. अगर मैं 1000 रुपीज नोट कह रही हूँ तो कितने नोट हैं यही बता रहा है आपको वहां पर. तो वेन यू आर मेजरिंग समथिंग, ठीक है, तो उस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप जब भी जो मेजरमेंट का पैरामीटर है, ठीक है, 100, 1000, 1,000,000, सर्टन कपल, ये सारे के आगे आपका अ ही लगेगा. तो बेसिकली अ इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं दैट आर टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट, वहां पर वोवल्स का नहीं होता है बेसिकली काम. लेकिन अगर वोवल रहेगा तो आपको एन लगाना है. दिस इज अंडरस्टूड, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है. दिस इज द अंडरस्टूड थिंग कि यहाँ पर अगर आपका वोवल का साउंड रहेगा या फिर वोवल से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो उसके आगे ए नहीं एन लगेगा, ठीक है. फिफ्थ नंबर समझ में आ गया सबको, 100, 1000, 1,000,000, ठीक है. यू वन अ लॉटरी ऑफ $1,000,000, ठीक है. मिलियन डॉलर तो बहुत सारे डॉलर होते हैं, बट बिकॉज द मिलियन द वर्ड दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर मेजरमेंट is itself a singular one. Take word जो है वो itself singular, जैसे कि यहाँ पर vehicle में है, एक vehicle है mention की गई, but class of thing को mention कर रहा है. Similar way में यहाँ पर $1,000,000 अगर आप mention कर रहे हैं sentence में तो $1,000,000 जो है या फिर $1,000,000 भी उसको लिख सकते हैं अगर आपका number singular है. अगर यहाँ पर singular नहीं है, ठीक है, तो अ ही लगाते हैं. और क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 1000 जो है या 100 जो है या मिलियन जो है उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है. वो एक ही चीज है, रुपीस है या फिर किलोमीटर है, ठीक है. वहां पर आपका लग रहा है एस, दैट मीन्स दे आर प्लूरल, नॉट योर मेजरमेंट रिप्रेजेंट, ठीक है. 1000 जो है या क्वार्टर जो है
वो आपका जो मेजरमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो आपका सिंगुलर में ही आ रहा है. अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? अभी तक किसी को कुछ डाउट है? अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम. ओके, देन नेक्स्ट इज सिक्स नंबर आपका है कि इफ अ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मेनी रादर क्वाइट सच, यानी कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? ये सारा जो वर्ड्स यहाँ पे लिखा गया है मेनी रादर क्वाइट सच, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? मेनी का मतलब क्या होता है पता है आपको? कई जब होगा एक से मैम. ज्यादा चीज है. हाँ, जब एक से ज्यादा चीज है, जब एक से ज्यादा चीज है तो वहां पर आप मेनी लगा रहे हैं, ए भी लगा रहे हैं और सिंगुलर नाउन भी लगा रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे रैदर हो गया, क्वाइट हो गया, सच हो गया, ये सारी चीजें तो यू कैन फाइंड की उसके आगे आप और लगाएंगे तो चलेगा, बट मेनी के आगे आप और कैसे लगा सकते हैं? कैन समवन फॉर्मुलेट अ सेंटेंस? सेंटेंस कोई यहाँ पर सेंटेंस एक बनाना है आपको जहाँ पर अ मेनी एक सिंगुलर नाउन लगाना है, उस टाइप का सेंटेंस बनाना है. कैन एनीवन फॉर्मुलेट दैट काइंड ऑफ सेंटेंस? मैनी लगाना है, उसके आगे अ या फिर एम लगाकर एक सिंगुलर नाउन लगा के आपको सेंटेंस बनाना है. बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो बोल दो, मैं बता दूंगी. बन रहा है या नहीं बन रहा है? मैम ऐसे बोल सकते हो, मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. मैनी नहीं होगा, मैनी मैनी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैनी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, नहीं सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. मैनी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन के आगे आप क्या लगाएंगे? व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्प्लीमेंट विल यू यूज अबाउट दैट? मैनी अ क्वेश्चन कम फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन. यस, यू कैन use this sentence like this. ठीक है, आप ऐसा formulate कर सकते हैं, many a question come from the grammar portion. मतलब grammar portion से आपके बहुत सारे question आ सकते हैं, या फिर many a student come to complain about the timing of the class. मतलब classes की timing की complain करने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं. Understand? Many a कहाँ पर use होगा, कैसे use हो रहा है, a क्यों लग रहा है, पता चला जब many a लगा रहे हैं और वहां पर क्यों लग रहा है. बेसिकली जो आपका व्हीकल वाला एग्जाम्पल था, सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपका मेनी अ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मेनी अ स्टूडेंट्स है, सॉरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली दे आर सिंगल वर्ड दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप और कम्युनिटी अबाउट विच वी आर टॉकिंग टू. ठीक है, जो भी जिस भी चीज की बातें हो रही हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग्स हो, तो वो सिंगुलर एक सिंगुलर वर्ड पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वहां पर मेनी लगाने के बाद भी अ लग रहा है या एम लग रहा है. अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? राजेश, समझ में आया? यस मैम, मुझे तो समझ में आ गया, बाकी स्टूडेंट कुछ बोल में नहीं करते. हाँ, तो बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है. अंकिता, आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? yes, लड़कियां ma'am. तो कुछ नहीं बोलती हैं. निधि, निधि मुस्कान, दिव्यांशु, पल्लवी, आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? यस मैम. यस मैम. चलिए, बढ़िया.
अगर कोई डाउट हो रहा है तो बीच में पूछ सकते हैं, ऐसे डाउट तो नहीं होना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट स्टिल अगर डाउट हो रहा है तो ऐसे नहीं बैठ जाना है कि अरे इतना आसान चीज में डाउट पूछ लेंगे तो क्या कहेगा कोई, ठीक है, लोग तो हमेशा कहेंगे डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है, आपका मेन पर्पस है दैट यू हैव टू लर्न, तो अगर लर्निंग में कोई भी इशू है यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट दैट, ओके. तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, रादर क्वाइट और सच से सेंटेंसेस बने हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ लो क्या सेंटेंसेस हैं. इट इज रादर अ पिटी आई से, पिटी का मतलब क्या होता है, पिटी का मतलब पता है सबको, पिटी का मतलब समझ में आ गया सबको? नो मैम. पिटी का मतलब होता है, पिटी का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं उसको, दया करना और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जैसे मतलब आपको किसी का एक्सीडेंट हो गया तो यू पिटी ऑन देम, ठीक है, कि वो चल नहीं पा रहे हैं अच्छे से एक्सीडेंट की वजह से, समथिंग लाइक दैट, दैट काइंड ऑफ इमोशन, ओके. मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती वो वर्ड, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है. पिटी का मतलब होता है दया करना ही होता है एक तरह से, यस, दया करना होता है पिटी का मतलब. इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, अगेन यहाँ पर इन का साउंड आ रहा है सबसे पहले इसीलिए एन लगा. इट वॉज सच अ फूलिश आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर देखिए जो भी वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है, टास्क हो गया और आर्ग्यूमेंट हो गया, ये सारे सिंगुलर लग रहे हैं, दैट इज वाई आपका ए या फिर एन लग रहा है उसके आगे, अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट इज योर सेवन नंबर इज इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस स्पीड एंड रेशियो, यानी कि जब भी आप किसी चीज का प्राइस बता रहे हैं, ठीक है, या किसी गाड़ी का या अपना स्पीड बता रहे हैं, या फिर आप किसी चीज का रेशियो बता रहे हैं, रेशियो मतलब समझते होंगे आप तब तक, वो समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो? नहीं पता तो एक बार बोल दो, ठीक है, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड, ठीक है. इफ यू आर मेंशनिंग अ प्राइस स्पीड एंड रेशियो इन योर सेंटेंस के आगे, हाँ, अनुपात बोलते हैं तो हिंदी में, ठीक है, रेशियो को समथिंग आउट ऑफ द होल, ठीक है, फाइव पीसेस आउट ऑफ 10, ठीक है, जब उस टाइप का इक्वेशन बनाते थे बचपन में उसको रेशियो बोलते हैं. तो जब आप रेशियो मेंशन कर रहे हो या स्पीड मेंशन कर रहे हो या प्राइस मेंशन कर रहे हो तब आप ए या फिर एन का यूज करोगे, ठीक है. शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आर, ठीक है, आर यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, जब स्पीड मेंशन करने के बाद एक एक आर में 12 किलोमीटर वो चल रही है, दैट इज योर स्पीड, राइट. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो एक आर में वो कितना चल रही है, वो आपका स्पीड हो गया, ठीक है. प्राइस सेल्स 50, राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, एक किलो में कितना आपका प्राइस है राइस का. शी अर्न 20,000 रुपीज अ मंथ, एक मंथ में कितना सैलरी है, अगेन यहाँ पर एक ही आर का कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपका स्पीड होता है, तो एक आर मेंशन है इसलिए यहाँ पर एन लगा. एक किलो में कितना कितना रुपीज आप ले रहे हैं राइस का, तो एक किलो आपका वेट है इसीलिए ए लगा उसके आगे. एक मंथ का क्या सैलरी है उसका, एक मंथ लगा है इसीलिए उसके आगे अ लगा है. So this is the basic rule that every time you find a noun that is singular and you have to write it in a sentence, then you have to write an a and a and लगेगा आपका वहाँ पर सेंटेंस में. अब ये चीज है कि since there is no time, so I'm not going further from this. ठीक है. So before the meeting ends, there are two things that I want to talk about. Articles the main important क्या चीज है आपका, ये फाइल मैं आपको आज complete करके दे दूँगी. ठीक है. आप पढ़ते रहना, ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी क्लास में खत्म भी कर दूंगी इसको. ठीक है. सेकेंड थिंग, आर्टिकल मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आर्टिकल आपको कहाँ नहीं लगाना है. ठीक है. जैसे आपको पता है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो वहां पर आप ई या फिर एन लगाएंगे, वोवल्स का साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे, या फिर वोवल्स से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे. द आप तब लगाएंगे जब आपको डेफिनेटली पता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ही है दुनिया में, तो वो डेफिनेट आपका आर्टिकल वहां पर द लगेगा सेंटेंस में. कहाँ नहीं लगाना है आर्टिकल, दैट मीन्स सम सेंटेंसेस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट नीडेड,
ठीक है, जहां पर आपका आर्टिकल का जरूरत ही नहीं है वो आपको जानना जरूरी है, तो वो फाइल मैं आपको नेक्स्ट क्लास दे भी दूंगी और वही चीज मैं नेक्स्ट क्लास आपको समझाऊंगी भी, ठीक है। सेकेंड थिंग, रंगोली कंपटीशन के लिए कौन कौन आ रहा है?